आप अकेली महिला हैं जो 20 जुलाई को ही आप यहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता के रूप में आ चुकी हैं। ये मैं ठाकुर घराने से थी और मेरा लम्बेरे शादी है, मैं चमार में शादी की हूँ। जिंदगी मिलल बा तो डर डर के जिए के ना, और एक अपने अंदर में ऐसा शेरनी हमन के पैदा कर लिया कि कौनो भी अगर गीदड़ आके ललकार तो के हमन के आँख से आँख मिला के बात करे के क्षमता रखल जाए। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो देखे, कोई किसी महिला को सड़क पर चलते हुए गोली मार दिया तो तेजाब फेंक दिया, तमाम तरह के उत्पीड़न उनके साथ किया जाता है, लेकिन महिलाएं फिर जागरूक होने के बावजूद भी नहीं निकल पाती है। नहीं है, मैं ये गर्व से कहती हूँ मैं बाबा साहिब की बेटी हूँ, मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। जो अगर आँख दिखाएगा उसका आँख निकाल लेंगे। आप अकेली महिला हैं जो 20 जुलाई को ही आप यहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता के रूप में आ चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि देखिए, मैं जो भी मेरी बहन माता जो भी मेरी वीडियो देख रही हो, मैं यही कहूँगी आप सब देखिए, डर का पहले जो आप सबको डर है उसको निकाल फेंकिए, अपनी हक की लड़ाई लड़ने अब बारी आ रहा है। एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, प्रचार चल रहा था ऋतिक रोशन का कि डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। फिर भी महिलाएं क्यों नहीं समझ रही हैं? नहीं समझ रही हैं तो फिर वही दिन आएगा जो पैर की जूती समझा जा रहा था, अगर वो नहीं अभी लड़ी अपनी हक की लड़ाई, क्योंकि उनको बाबा साहेब ने ऐसा कर गए हैं कि वो अपने हक की लड़ाई लड़े, और जो मतलब गुलाम बनाई गई थी अब गुलाम नहीं है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं, वो बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं, चीख सकती हैं, चिल्ला सकती हैं, पढ़ लिख सकती हैं, क्या नहीं महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन महिलाएं जो हैं अपने अधिकार को पाना नहीं चाह रही हैं, और मतलब अपने पहचान को पहचान नहीं पा रही हैं कि हम क्या चीज़ हैं। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, जिंदगी मिलल बा तो डर डर के जिए के ना, एक अपने अंदर में ऐसा शेरनी हमन के पैदा कर लिया कि कौनो भी अगर गीदड़ आके ललकार तो के हमन के आँख से आँख मिला के बात करे के क्षमता रखल जा। और मतलब महिला का हम ये समझिला कि गीदड़ ना है शेरनी है, तो अपन लड़ाई खुद लड़ सकेली। और जो नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप सब खुद देख रही हैं कि मतलब कितना शोषण हो रहा है, कितना बचाया जा रहा है बेटी, ये नारा बस लगाया जा रहा है, नहीं कुछ रियलिटी में। तो देखिए, आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, कोई आपको आके हक देगा नहीं, हक मिल चुका है तो आप लड़िए, मैं यही कहूँगी। आप ऐसे जो प्रोटेस्ट होते हैं, ऐसे ऐसे धरने प्रदर्शन आंदोलन, उसमें महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए, उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उन्हें आना चाहिए, उन्हें तो एक दिन के पहले ही आना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आई हूँ और इतना मैं देखिए आप मैं इससे पहले भी मैंने कई वीडियो देखे, कोई किसी महिला को सड़क पर चलते हुए गोली मार दिया तो तेजाब फेंक दिया, तमाम तरह के उत्पीड़न उनके साथ किया जाता है, लेकिन महिलाएं फिर जागरूक होने के बावजूद भी नहीं निकल पाती हैं। नहीं तो अभी भी उनको डर लगता है ना, तो मैं ये कहती हूँ डर भी लगता है, कहीं ना कहीं घर से दबाव होता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं सही बात है, ये तो घर जो मतलब हस्बैंड है या भाई हो या पिताजी हो निकलने नहीं देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप सब ऐसा ना कीजिए, और अपने बहन बेटी को और माता को डरा के मत रखिए, उनको शेरनी बनाइए, मतलब दहाड़ सके अपने हक की लड़ाई। एक फुल्लन देवी थी, आप उनको याद शायद उनके बारे में पढ़ी होंगी तो जानती होंगी, क्योंकि मैं तो पढ़ा हूँ, मैं तो जानता हूँ। हाँ मैं उनको जानती हूँ कि मतलब इतना वो कर गई हैं, शायद वो महिला नहीं कर पा रही हैं और करना भी चाहिए, वो बहुत कुछ की हम लोग के लिए, फिर भी मैं उन्हें नहीं जान पा रही हूँ ना समझ पा रही हूँ। तो देखिए हमारे में एक कमी है ना, हमारे लिए जो कर गई हैं मतलब सावित्री फूले बाई, वो लोग उन्हें पूजना चाहिए तो लोग सरस्वती पूजते हैं। सरस्वती महिलाओं को अबला नारी बोला जाता है, तो क्या कहेंगे, महिलाओं को अबला नारी बन के रहना चाहिए या फौलाद बनना चाहिए? नहीं नहीं उनको फौलाद बनना चाहिए, ठीक है, मैं यही कहूँगी फौलाद बनिए और अपनी हक की लड़ाई लड़िए, और कोई अगर दबा रहा है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं संगीता सिंह, मैं सहजनवा की विधानसभा अध्यक्ष महिला मोर्चा हूँ, और जो भी है आप सब मेरे से मिल सकती हैं, जो भी मतलब आप सबको मदद चाहिए मैं दूंगी, मैं आप सबके साथ हूँ, मैं जितनी माँ बेटी। मैं पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि संगीता सिंह काफ़ी कठोर परिश्रम की हैं, काफ़ी जिद्दोजहद से यहाँ तक पहुँची हैं, और इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं,
इनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये खुद बताएंगी, मैं क्या बताऊँगा कि ये किस समाज से आती हैं, फिलहाल किस समाज में रहती हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा, और घर से क्या क्या इन्हें पीड़ा सहनी पड़ी वो भी मैं आपको बताऊँ, ये खुद बताएंगी, क्या आप बताएंगे अपने बारे में? पहले मैं देखिए बीते हुए कहानी को मैं फिर से याद नहीं करना चाहती, चाहूँगा कि शॉर्टकट में थोड़ा सा बताइए ज़रूर कि मैं किस समाज से थी और किस समाज में हूँ। देखिए मैं ठाकुर घराने से थी और मेरा लम्बेरे शादी है, मैं चमार में शादी की हूँ, लेकिन ये मैं कहना चाहती हूँ, देखिए भाग करके नहीं और गर्व से मैं अपने माँ बाप से बता करके शादी की हूँ, और देखिए मेरे माँ बाप तो एक्सेप्ट कर लिए और शादी भी कर दिए, लेकिन मेरे हस्बैंड के जो माँ बाप हैं मेरे को नहीं चाहते थे कि बाहर निकले और आवाज़ उठाए, मैं बहुत संघर्ष की हूँ, जितना बताऊँ उतना ही कम है, मैं बहुत लड़ाई लड़ी हूँ, आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ, और जहाँ भी मीटिंग होता है, जहाँ भी हमारी हक की लड़ाई लड़ना होता है मैं वहाँ पहले पहुँचती हूँ। लोग बोलते हैं ये जिद्दी है, मेरी जिद्द नहीं है, मैं ये गर्व से कहती हूँ मैं ये बाबा साहिब की बेटी हूँ, मैं डरने वाले में से नहीं हूँ, जो अगर आँख दिखाएगा उसका आँख निकाल लेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हो कि बाबा साहब ने किसी एक समाज की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि तमाम समाज की महिलाओं के लिए काम किया था, और उन्हें एक साहसशील योद्धा बनाने की कोशिश किए थे, और यहाँ तक संगीता सिंह ने एक जाति पाति को भी दरकिनार किया, उसके बाद एक मैसेज भी दिया कि कोई ऊंच नीच नहीं होता, ऊंच नीच वाले लोग सिर्फ मानसिकता उनकी होती है, ठीक है। अब आप इनके संघर्षों को इसी चीज़ से परख सकते हैं कि पहले तो जाति से लड़ना, क्योंकि जाति से लड़ना आजकल मुमकिन नहीं है, जाति से लड़ना एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने के बराबर है, आप जान सकते हैं, क्योंकि आजकल जब भी कभी मैरिज होता है तो या तो पुरुषों की हत्या कर दी जाती है या फिर लड़कियों को ही जला के मार दिया जाता है, घर में मार दिया जाता है, किसी ऐसा होता है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि देखिए कहीं ना कहीं उनकी भी गलतियाँ होती हैं, जो उनको दबाया जाता है वो दब जाती हैं, अगर वो लड़ना सीखे ललकारना सीखे तो कोई उनको डरा धमका नहीं सकता है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि देखें जिंदगी मिलल बा कौनो खैरात ना, जिंदगी मिलल बा कौनो खैरात ना, हम बाबा साहब के बेटी हैं कौनो गीदड़ के ना, तो हम ये बताना चाहती हूँ कि मैं महिला भले हूँ लेकिन हाथ में चूड़ियाँ पहन के नहीं घूम रहे हैं, अगर मेरे पे अत्याचार होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, उनको मुँह तोड़ जवाब दूँगी, तो मैं यही महिलाओं से कहूँगी कि मेरे साथ आके जुड़िए और मैं अपने हक की लड़ाई जैसे लड़ रही हूँ ऐसे आप सबके भी हक की लड़ाई लड़ूंगी, आप सबके साथ रहूँगी, जय भीम जय भारत जय संविधान। और मुझे लगता है कि संगीता जी ने जो लास्ट में दहाड़ा है भाई, ये काफ़ी गौरवमय है, और मुझे लगता है कि इस पर आप लोगों को कुछ रिएक्शन जरूर देना चाहिए कमेंट करके, और हाँ वीडियो को शेयर करिए ताकि बहन की आवाज़ और ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे।